So this is the problem rated 1400 so the problem is simple I'll just give you a brief of what the problem is this is a keypad of a, a standard phone number and so suppose we are pressing a certain like we are pressing uh, some keys in a certain order so 586 so if you see here we have clicked 586 so this is the uh, so this is the pattern going one down and a, and a upward diagonal and like top right diagonal so 586

दिस इज़ नॉट यूनिक मतलब ये ऐसा नहीं कि ये बस फाइव एट सिक्स के लिए हो रहा है सो so, उसी से मतलब रीड द क्वेश्चन अगर मैं समझा नहीं पाया बट स्टिल इफ़ यू अंडरस्टुंड वॉट द क्वेश्चन सीज बेसिकली फिंगर मेमोरी एफ देर लाइक एज दे आर स्टेटेड सो नाउ वॉट देर आस्किंग इज कौन है ये हाँ माइक ने फाइव एट सिक्स अगर क्लिक किया सो सपोज यहाँ पे उन्होंने जैसे दिया फाइव एट सिक्स तो तुम्हें पहले देखना है कि फाइव एट सिक्स का कैसा पैटर्न था तो इसका पैटर्न कैसा था फाइव फाइव से एट एंड एट टू सिक्स तो मैं बस ये बताना है कि क्या ये यूनिक है मतलब और कोई और कोई नंबर्स पे ये पैटर्न चल सकता है क्या तो आ, फिर हमने चेक किया कि टू फाइव थ्री ये भी ऐसा पैटर्न रिप्रेजेंट कर सकता है देरफोर द आंसर इज़ नो अभी अगर मैं तुमको बोलूँ कि ऐसा कुछ दिया है क्वेश्चन में वन टू थ्री सिक्स नाइन एट सेवन फोर फाइव ठीक है सो तो अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली बताऊँ सो वन टू थ्री ऐसे दिया है ना ये की पैड सेवन एट नाइन एंड जीरो ठीक है आ, हाँ आ, तो हमको क्या दिया यहाँ पे कि आ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि पैटर्न कुछ ऐसा है आ, कलर चेंज ठीक है वन टू थ्री सिक्स नाइन एट सेवन फोर फाइव अगर मैंने तुम्हें ये एज एन इनपुट दिया है तुम्हारा तो क्या तुम बोल सकते हो कि आ, दिस इज़ यूनिक लाइक और कुछ है मतलब अगर सपोज ये होता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अगर मैं बोल रहा हूँ सिक्स फाइव एट नाइन ये वाला पैटर्न तो, इस, तो इसका जब मैंने फिंगर ट्रेसिंग क्या क्या आया एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे वन 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 डिस्टेंस इनका वन था ना तो क्या ऐसा और हो सकता है हाँ हो सकता है टू वन फोर फाइव सो यूनिक नहीं है बट क्या ये यूनिक है ये तुम और कोई भी तरीके से नहीं ला सकते ये पॉसिबल नहीं है लाना वन टू थ्री सिक्स नाइन क्योंकि तुम्हें तो वन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा टू गेट ऐसा कुछ पैटर्न तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि मैंने तुम्हें तो एक पैटर्न दे दिया कि मैंने नंबर्स को ऐसे क्लिक किया है तो मैं बस अभी ये बताना है कि क्या ये यूनिक है मतलब क्या ये कोई और नंबर से स्टार्ट होके भी तुम सेम पैटर्न ला सकते हो क्या अगर तुम ला सकते हो तो नो no कर दो कि ये यूनिक नहीं है और अगर सही में यूनिक है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऑब्वियसली यूनिक है तुम और कहीं से स्टार्ट करके वो वाला पैटर्न नहीं ला सकते हुआ? सो ये प्रिय सो दिस इज द क्वेश्चन सो हाउ टू सॉल्व दिस सो हमें कुछ अच्छा तरीका ढूंढना है टू स्टोर दिस मैप मतलब स्टोर दिस मेमरी मतलब जब उसने बोला कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये जीरो तो जब उसने बोला कि मैं सिक्स तो उसने मेरे को इनपुट दिया सिक्स फाइव एट नाइन तो मैंने बोला अच्छा सो ही वन फ्राम सिक्स टू फाइव फाइव टू एट एट टू नाइन सो so, मैं कैसे बोलूँगा कि उसने लेफ्ट वन चला डाउन uh, वन चला राइट right वन चला इसी ऑर्डर में बेसिकली uh, मैं इसको अगर अभी के लिए ऐसे ही लिख रहा हूँ एल वन डी वन आर वन तो ये मेरा बेसिकली एनकोडिंग हो गया ये वाला जो मैप था ना इसका इसका मैंने ऐसा एनकोडिंग लिख दिया यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना फिर मैं यहाँ से इधर गया फिर मैं यहाँ से इधर गया फिर मैं यहाँ से इधर गया तो ये मैं कैसे गया तो मैं इसको ऐसे एनकोड करके लिख सकती हूँ कि मुझे कुछ स्टोर करना पड़ेगा अपने पार्ट को किसी चीज़ में आप टू स्टोर कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके या कुछ वेक्टर्स यूज़ करके मुझे स्टोर करना पड़ेगा तो मैं क्या ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था राइट तो मैं बोलूँगा एल वो एक मूव चला मतलब एक एक यूनिट लेफ्ट चला एक यूनिट डाउन चला एंड एक यूनिट राइट चला तो मैं अपने पार्ट्स को ऐसे स्टोर करने का ट्राई करूँगा बट तुम्हारा हमेशा ये एल वन डी वन आर वन में काम नहीं बनेगा ये तो मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया था तो एक टफ एग्जाम्पल देखे तो वन टू थ्री क्लियर होता है क्या कैनी वेज सो अगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये ज़ीरो तो अगर मैं बोलूँ कि वन से वन से फोर वन से फोर फोर से सेवन कैसे गए वन से फोर फोर से सेवन सेवन से सिक्स तो सेवन से सिक्स बड़ा वियर्ड हो रहा है राइट right? तुम कैसे जाओगे सेवन टू सिक्स जाने का कुछ सेंस नहीं बन रहा है तो लाइक like मैंने इसको अब तक तो कोड नहीं किया है विल बी कोडिंग दिस तो हाउ विल यू सेव दिस नाउ तो यू तो मैंने क्या सोचा है वी विल बी स्टोरिंग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट डिफरेंस मतलब Uh, इसका कोऑर्डिनेट क्या है uh, uh, क्या बोलूँ अभी मतलब तुम कोऑर्डिनेट डिफरेंस स्टोर कर रहे हो तो सपोज़ ले लेते हैं ये जीरो कॉमा सपोज वन वन करते ये वन कॉमा वन है ये टू कॉमा वन है ये थ्री कॉमा वन है ये क्या होगा फिर ये टू कॉमा थ्री होगा राइट right, तो मैं यहाँ पे देखो वन कॉमा वन टू कामा वन से थ्री कॉमा वन तो ईजीली स्टोर हो जाएगा अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं थ्री कॉमा वन से टू कॉमा थ्री गया हूँ ठीक है समझ गया ने? नहीं नॉर्मल कोड लाइक टू डी कोर्डिनेट मैपिंग ही किया है अगर मैं थ्री कॉमा वन से टू कॉमा थ्री गया हूं तो पहले मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा इससे मुझे क्या मिलेगा कि मैं थ्री मतलब मैं थ्री से टू गया हूं मतलब मैं क्या गया हूँ एक रो मैंने अपना कम किया सो मैं बोल सकता हूं अप वन थ्री से टू गया हूँ राइट अप वन कॉमा अपन गया ठीक है थ्री से टू गया हूं, एक रो अप गया हूं एंड वन टू थ्री गया हूँ राइट टू सो ये मेरा एनकोडिंग हो गया अभी मैं अगर इसका लिखूँ ठीक है अभी इसको टफ वाले को सॉल्व करते हैं इसका एनकोडिंग हम डिसाइड करते हैं कैसे स्टोर करने वाले सो वन फोर सेवन सिक्स तो सबका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं वन कामा वन सॉरी टू कामा वन थ्री कामा वन एंड टू कामा थ्री ठीक है तो ऑब्वियसली वन से स्टार्ट नहीं करूँगा फोर से स्टार्ट करूँगा तो मैं भी यहाँ पर एनकोडिंग कोडिंग लिखूँगा अपना ठीक है सो so, uh, 1,1 और 2,1 मतलब बहुत तरीके होंगे दिस इज माय वे 1,1 से 2,1 गया हूँ मैं राइट तो मैं क्या लिखूंगा uh, तो मैं हर बार दो सेव करने पड़ेंगे क्या सो um, so, so हम क्या कर सकते हैं मैं 1,1 से 2,1 गया हूँ ना तो मैं ये 1,2 में देख मतलब मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ तुम तो, मतलब तुम ऐसे मत करो तुम ना अभी ये अप रो छोड़ दो नेगेटिव पॉजिटिव में बात करते अप गया तो नेगेटिव वन डाउन गया तो प्लस वन ठीक है अप वो और सिंपल हो जाएगा तुम पहले अप डाउन लेफ्ट छोड़ दो माइनस प्लस में बात करते हैं तो हमेशा अपने कोऑर्डिनेट्स को ना ऐसे रखो वन से टू गया हूँ मतलब एक नीचे आया हूँ तो नीचे आया हूँ तो प्लस वन कॉमा वन से वन नहीं गया हूँ तो ज़ीरो क्योंकि बेसिकली ये क्या मिल गया कोऑर्डिनेट चेंजेस मिल गए तो वन से फोर ये वाला चेंज आया प्लस वन एक रो एक्स्ट्रा जीरो कॉलम वही है अभी फोर से सेवन की बात करते हैं टू और थ्री में डिफरेंस एक का तो तो अगेन प्लस वन वन कॉमा वन में अगेन जीरो तो प्लस वन तो फोर कॉमा सेवन का भी वो हमने स्टोर कर दिया अभी सेवन टू सिक्स बात करते हैं थ्री से टू एक माइनस क्योंकि मैं ऊपर गया हूँ है ना मैं ऊपर गया माइनस वन कॉमा वन से थ्री वन से थ्री गया हूँ तो मतलब आ, दो कॉलम भी मैंने जंप किए सो प्लस टू सो ये मे, ये मेरा पाथ एनकोडिंग हो गया अभी इस पाथ एनकोडिंग को कैसे यूज करेंगे है ना तो मैं पाथ एनकोडिंग को अच्छे से अप्लाई भी तो करना है सो हाउ वी विल अप्लाई दिस पाथ एनकोडिंग इज तुम अभी हर नंबर में जाओगे वन में जब मतलब वन पे नहीं जाओगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी टेस्टेड है ना मतलब वन से तो चीज़ें स्टार्ट हो ही रही वो तो हमें पता है बस चेक करना कहीं और से भी ऐसा स्टार्ट हो रहा है क्या तो मैं टू पे जाऊंगा मैं वापस टू कामा टू का मतलब वो क्या है रो वन कॉलम टू तो मैं वन कॉमा टू अभी ये जो वन कामा टू मुझे अभी चेक करना है कि टू से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या सेम पाथ इन कोर्स क्या सेम पाथ पॉसिबल है कहीं मैं आउट ऑफ रेंज तो नहीं चला जाऊंगा तो मैं यहाँ वन कामा टू में ये वाली चीज़ फीड करूँगा है ना मैं वन कॉमर टू में ही चीज तो मैं वन कॉमर टू में पहले प्लस वन जीरो करूंगा तो मैं कहा पहुंच जाऊँ मतलब मुझे ऐसा देखना है कि टू पे मैं हूँ ठीक है तो प्लस वन जीरो होगा तो प्लस वन जीरो एक में नीचे आऊंगा अब तक सही चल रहा है अब तक हम बाहर नहीं गए वापस तो तो ये हो गया फिर मैं यहाँ आऊंगा एक, मतलब, एक, मतलब एक और रो नीचे फाइव एट पे आ गया इधर आऊँगा एक ऊपर तो वहाँ मैं जाने का ट्राई किया एक ऊपर बट प्लस टू भी है मैं बाहर चला गया मतलब टू से ये पाथ पॉसिबल नहीं है ऐसी तो मैं सबके लिए ट्राई करना है एक के साथ भी तुम्हें तो मिल गया कि हाँ यार सेम पाथ आ मैंने पूरा अपना ये एनकोडिंग ख़त्म कर दिया और मैं अभी भी अंदर हूँ मैं अभी भी बाहर नहीं गया हूँ सो दैट मीन्स यू हैव टू प्रिंट नो एंड एंड बता देना है कि ये जी ज़ीरो का तुम्हें तो थोड़ा सा अलग से केस संभालना पड़ेगा क्योंकि वो अपने में प्रिंटेड है बाहर ही प्रिंटेड है And बस फिर तुम्हें बस चेक कर लेना है कि चीज़ें सही है मतलब थिंग्स आर इनसाइड दिस होल की पैड ये बात मतलब हमारा की पैड थोड़ा अलग शिप कर इस की पैड के अंदर चीज़ें हैं इसके कहीं भी बाहर चिल गए मतलब आ, तुम वो वाला पात नहीं ला सकते सो आई होप तुम्हें पता चल गया मतलब तुम्हें नंबर दिया जाएगा तुम्हें चेक तुम्हें उसका ऐसा इनकोडिंग बनाना है डिफरेंस हमेशा कोऑर्डिनेट डिफरेंस का अरे बनाना है अभी ये जो तुमने क्रिएट किया है इसको तुम्हें हर नंबर पे जाके ट्राई करना है कि क्या यहाँ से भी ये वाला बात पॉसिबल है मतलब बेसिकली तुम ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि कितने पॉसिबल है मोर देन वन आ रहे तो मतलब सही है क्योंकि वो लोग तो ऑब्वियसली हमें सही पात देंगे ना सो so ये था कोडिंग uh, स्टार्ट करते हैं इसका तो इन्होंने एन बहुत छोटा दिया लाइक नौ डिजिट से बड़ा है नहीं और मतलब रेपिटिशन नहीं है शायद एंड फिंगर ये बोला है क्या कि ये रिपीट हो सकता है ठीक है रिपीट हो भी सकता है तो क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है स्टार्ट करते हैं सो एल एन एन सी एन एन वील रीड वो फिर स्ट्रिंग रीड करना पड़ेगा तो स्ट्रिंग रीड कर दिया अभी आ, तुम कुछ चीज़ें तो लिख ही सकते हो इफ इफ एस डॉट लेंथ डॉट लेंगल इक्वल वन तो कुछ है नहीं सी आउट ये सी कर दो मतलब सी आउट नो ही कर दो क्योंकि ऑब्वियसली एक लेंथ का तो सब रेडी रहेगा ना ठीक है नाउ लेट्स मेक हम कैसे बनाएंगे वेक्टर ऑफ पेयर चलेगा पेयर ऑफ एनकोडिंग लिखते थे इसको तो हमें वन पहले हमें ऐसा कुछ स्टोर करना पड़ेगा लेकिन स्टोर करना है वो ऐसे ही रहने देना है पहले बेसिकली वो जो पूरा वो दिया है ना मोबाइल का कीपैड उसको तो मैं लाना पड़ेगा अपने उसमें ठीक है वो भी हो जाएगा तो हम एक ऐसा कुछ डालते हैं मैप ऑफ दैट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो का नंबर मैप विद उसका कोऑर्डिनेट डाल देते हैं या ज़रूरी नहीं है ठीक है डाल देते हैं पता नहीं ज़रूरी है या नहीं सो so, हम यहाँ फ़ोन लिख देंगे क्योंकि फ़ोन का मैपिंग है तो फिर वन से अ पापा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये स्टोर कैसे करूँगा थ्री कोमा थ्री का तो है ही ना लेस देन इक्वल टू थ्री जे प्लस प्लस सो अगर मैं स्टार्टिंग नंबर क्या होगा मेरा वन वन uh, होगा सो so मैं बोल दूंगा मैप ऑफ नम इक्वल्स टू मेक अंडरस्कोर पेयर ऑफ आई कॉमा जे सही राइट और नम प्लस प्लस करना पड़ेगा तो अभी मैं पता नहीं इसका नीट शायद नहीं था अगर ठीक है जी डीबक कर ले देख बार यार आ, मेरा कोई भी इनपुट ले लेते फाइव सिक्स सो इफ आई डी फोन ओके मैंने टेस्ट केस ले लिया ना क्या हो गया इसको ओके okay, समझाओ तो ऐसा कुछ आ गया वन का कोऑर्डिनेट है वन टू का वन कॉमा टू थ्री का वन कॉमा थ्री फोर का टू कामा मतलब तुम्हें समझ आ गया ना हर को मतलब फोन का मैपिंग स्टोर कर दिया मैंने बेसिकली मतलब आ, ये जो आ, ये जो वन विल बी मैप मैपा वन टू मिल भी मतलब कोऑर्डिनेट सेट कर दिया फ़ोन का सबका एक अलग से करना पड़ेगा तुमको फोन फोन ऑफ ज़ीरो क्या होगा ये दिस इज इन द फोर्थ थ्रो फोर्थ रो एंड द सेकेंड कॉलम ठीक है सॉरी नॉ दैट हमने पूरा फोन रेडी कर दिया हमें वेक्टर ऑफ वो बनाना पड़ेगा एनकोडिंग करना पड़ेगा सो फॉर एल एल लाइज टू वन आई लेस देन एन वन से स्टार्ट करना पड़ेगा राइट um, तो ऑटो uh, तो, प्रीवियस uh, का एनकोडिंग लाते हैं क्या होगा वो फोन ऑफ जो मेरा पहला नंबर था मैंने ऐसे रीड किया है हाँ जो मेरा पहला नंबर था एस माइनस वाई उसका ज़ीरो एंड ऑटो करेंट का क्या है फोन ऑफ एस ऑफ आई माइनस ज़ीरो ये मेरे पास uh, मेरा करेंट का वो आ गया मतलब अगर यहाँ पे फाइव है ना तो प्रीवियस क्या स्टोर करेगा फाइव का क्या मैपिंग है टू कॉमर टू तो प्रेव कुछ ऐसा आ जाएगा मतलब मैं भी एट की बात कर रहा हूँ सपोज मैं एट पे हूँ तो टू कॉमर टू फाइव का वैल्यू एंड करेंट मेरा नंबर एट है एट का क्या है थ्री कॉमर टू तो ये बेसिकली मैं वहाँ से उठा के ला रहा हूँ जो मैंने अपना फोन डिजाइन किया था ना अभी तुम्हें एक बार वो मिल गया है तो तुम्हें सिंपली एनकोडिंग uh, में क्या पुशबैक करना पड़ेगा एनकोडिंग डॉट डॉट पुशबैक करेंट डॉट फर्स्ट माइनस डॉट फर्स्ट क्योंकि टू कॉमा थ्री है तो नीचे आया है वो नहीं तो समझ गए ना वही डिफरेंस स्टोर करना है बेसिकली हमें and similarly current dot second minus prev dot second ठीक है ये हो गया है encoding हमने ये push back कर दिया now that we have done this हमारे पास एक encoding ready है राइट right. अभी अब अभी हमें काउंट करना है कि ये एनकोडिंग कौन कौन एक नंबर से तो पॉसिबल है वो जो वो जो उन्होंने हमें खुद दिया है क्योंकि वो ऑब्वियसली बाहर नहीं जा रहे है. तो फाइव एट सिक्स के साथ तो पॉसिबल है तो हम बेसिकली काउंट कर रहे हैं कि कितने नंबर्स के साथ पॉसिबल है मतलब कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो मैं सेम पाथ बना पाऊंगा विदआउट उस रेंज को क्रॉस किए लाइक विदाउट गोइंग आउट ऑफ बाउंस सो ठीक है uh, so now हम सो नाउ क्या चेक करेंगे uh, हर नंबर से चेक करेंगे फॉर एल एल आई इज इक्व टू वन आई लेस देन इक्वल टू वाई सेम लूप चलाने का है विद नम को वापस वन कर देना फॉर एल एल आई इज इक्वल्स टू तो बेसिकली तुम कितने बार मतलब ठीक है तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ही लेना कुछ खास नहीं आया कितना है, ही छूटी तो सब है एल एल जे इज इक्वल्स टू वन जे लेस देन इक्वल टू थ्री जे प्लस प्लस नम है ठीक है तो मेरे को यहाँ से ट्राई करना है क्या कि मैं यहाँ से वो मैप बना तो इसे फंक्शन में ले सकते इफ यू वांट लेना है क्या फालतू टाइम जाएगा ठीक है सो so, फंक्शन में लेते हैं कोड करते सो uh, so, मुझे अभी ट्राई करना है कि मेरे पास अपना नंबर है वन यहाँ से ये वाला एनकोडिंग पॉसिबल है या नहीं तो मैं क्या करूँगा फॉर ऑटो ई एन ऑफ एन अपने एनकोडिंग में ट्रेड कर रहा हूँ मैं एक बस एक फंक्शन बना लेते चेक आउट ऑफ बाउंस करके क्योंकि थोड़ा अलग होगा वो चेक बाउंस ठीक है सो चेक बाउंस में हम दो चीज़ पास करेंगे मेरा एक्स कोऑर्डिनेट मेरा वाई कोऑर्डिनेट सो मेरा इफ़ एक्स uh, जो रो कॉलम बेटर रहेगा ना रो और कॉलम पास करूंगा मैं इफ़ मेरा uh, इफ रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड वन से ही हो रहा है ना वन भी स्टोर्ड है हाँ. one, one, तो कुछ नहीं सब सही है हम पूरा की पैड के अंदर तो अब भी अगर वो उसके भी बाहर है तो एक छोटा कंडीशन आएगा इफ रो इक्वल इक्वल फोर एंड एंड कॉलम इक्वल इक्वल टू तो भी तुम ट्रू तो रिटर्न कर सकते हो मतलब वो जीरो पे है नहीं तो यहाँ कहीं भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स तो ये हमने अपना चेक बाउंस का फंक्शन लिख दिया तो अभी फॉर ऑल टू इनकोडिंग मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा एनकोड करना सो एल एल करेंट कोऑर्डिनेट वापिस लाना पड़ेगा हमें uh, ये वाला चीज वापिस लाना पड़ेगा एक मिनट हाँ ये वाला चीज वापस लाना पड़ेगा बट इस बार हमें नम के लिए लाना पड़ेगा ठीक है हम और हर लूप के बाद नम को प्लस कर देना याद से सो so, ठीक है आ, हमने करेंट था हमने वो उसका करेंट कोऑर्डिनेट्स लिया है सो एल एल करेंट एक्स लेते हैं करेंट डॉट फर्स्ट एल एल करेंट वाई ले लेते हैं करेंट डॉट सेकेंड ठीक है नाउ ले ले अभी तुम बार बार उसे अपडेट करते जाओ सो करेंट एक्स प्लस इक्वल्स टू ई एन डॉट फर्स्ट है ना उतना ही तो चेंज होगा हमने डिफरेंस स्टोर किया है ना एंड करंट वाई प्लस इक्वल्स टू आफ्टर दिस इफ चेक बाउंस हमेशा रन करने का चेक बाउंस आफ्ट करेंट एक क्योंकि वो बिगो वन है ना वैसे भी चेक बाउंस का फंक्शन इफ़ करंट एक्स इफ चेक बाउंस ऑफ करंट एक्स करंट वाई गलत हो गया मतलब बाहर चले गए सो आ, कुछ नहीं हो रहा है मतलब फ्लैग सेट करना पड़ेगा क्या ओके बाउंड इक्वल्स टू ट्रू इफ नॉट आ रहा है तो इन बाउंड टू फॉल्स ब्रेक कर दो यहाँ से इस लूप के बाहर आ जाना अभी भी इफ इन बाउंड ट्रू है इफ़ इन बाउंड ट्रू है तो तुम्हारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा काउंट प्लस प्लस हो गया फिर मैं इस लूप के बाहर आ सकता हूँ ना हाँ

please be yes. Okay. ठीक है सही लग रहा है तुम्हें तो समझा अगर सक्सेसफुल होता है तो आई होप तुम्हें समझा लाइक like, फोन दिया है मतलब पैटर्न दिया है जस्ट चेक इफ सेवेंटी वन में hmm. ओके, ओके 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 हाँ समझ गया तुमने देखो यहाँ सबके साथ ट्राई कर दिया बट तुमने जीरो के साथ नहीं ट्राई किया उसके साथ भी तो करना पड़ेगा ना सो बेसिकली ठीक है uh, तो मैं कैसे ज़ीरो के लिए कैसे चलाऊं चलाऊँ सेम कोड चलाना है वो तो ज़ीरो के लिए यार मतलब यहाँ तुमने देखा होगा तो हमने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन से चेक कर लिया बट ज़ीरो के साथ नहीं चेक किया तो एक बार वो लिख देते हैं बस तो कैसे लिखो बट ये पूरा कोड तो चाहिए हाँ यहाँ तक चाहिए एक बार ज़ीरो के लिए इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो ऑटो करंट फोन ऑफ जीरो करेंट एक्स करेंट वाई इन बाउंड कर हाँ शायद अभी भी ठीक ही चलेगा फिर क्या इन बाउंड को की वो सब फॉलोअप के अंदर थे तो वेरिएबल एक्सलू नहीं होना चाहिए ठीक है आ, न, 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 चल जाओ ओके ठीक है तो ज़ीरो से चेक करना था बस यही कोड है लाइक क्या क्या हमने एक रिविज़न एन स्टोर करना था एन क्या है मैं फ़ाइव से कहीं भी और जा रहा हूँ तो वो डिफरेंस क्या था क्योंकि वो डिफरेंस से ही हमें आइडिया मिल रहा है कि हमें किधर जाने का है ना और कुछ तरीका नहीं स्टोर करने का और फिर मैंने फ़ोन का एक बेस मतलब उस फ़ोन जो पूरा उन्होंने दिया था उसको डेटा स्ट्रक्चर में ले लिया और बाकी तो फिर तुम्हें पता ही है मैंने एक बार एन सॉरी एक एन एक बार तुम्हें मिल गया तो बस हर नंबर से चेक करते रहो और एरर खा रहा था कि तुम्हें जीरो से भी अलग से चेक करना है सो so, हाँ दैट सेट आई होप यू ऑल अंडरस्टूड क्या है कुछ है तो पूछ लेना डाउट्स में ऑल्सो आई बी ड्रॉपिंग इन अ फॉर्म इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू चेक दैट आउट लाइक इट्स वन 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 सेशन इफ यू ऑल वॉन्ट सो या थैंक यू